दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय। मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को देखने और सुनने वाले आप सभी अभिकर्ता साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सक्सेस थ्योरी फॉर LIC एजेंट यानी सफलता के सिद्धांत की यह तीसरी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से यह आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो। इस उद्देश्य के साथ मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ निश्चित रूप से आपको होगा। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, किसी मैगजीन वगैरह में लिखा था और वह जो उसकी लाइनें थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम गरीब के घर में पैदा होंगे, हम अमीर के घर में पैदा होंगे, इसमें हमारा बस नहीं होगा। किसी व्यक्ति का जन्म कहां होगा यह वह खुद डिसाइड नहीं करता। आप गरीब के बच्चे हैं या आप अमीर के बच्चे हैं, इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, हमारा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन गरीब रहते हुए मर जाना यह हमारे लिए गुनाह अवश्य है। दोस्तों, सफल जीवन जीना, अच्छे तरीके से सही कमाई करना यह हर इंसान का कर्तव्य होता है। और जिस संस्था में हम काम करते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम, यह एक ऐसी संस्था है कि यदि आप सही तरीके से, सही ढंग से, सही नियम से अगर इस संस्था में दिल लगाकर काम करते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं तो इससे भी बढ़कर दो कदम कहना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में दिल लगाकर काम करते हैं तो LIC वह हर चीज पूरा कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, क्या आपने लाइफ को जाना है? लाइफ होती क्या है? खासतौर से भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता की लाइफ कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए? आपने कभी लिफ्ट देखा है? लिफ्ट के अंदर जब कभी आप खड़े हो जाते हैं और यदि आपको ऊपर के 10वें 15वें माले पर अगर जाना हो, 10वें 15वें फ्लोर पर अगर जाना हो, तो ऊपर 15 फ्लोर पर ले जाने वाली जो बटन होती है आप उसको जैसे ही क्लिक करते हैं वह लिफ्ट ऊपर 15वें फ्लोर पर ले जाकर आपको छोड़ देती है। और यदि आप ऊपर फ्लोर पर खड़े हैं, ग्राउंड फ्लोर पर आना है, आप उसी लिफ्ट में खड़े होते हैं और ग्राउंड फ्लोर की बटन को दबा देते हैं, वह लिफ्ट आपको आसानी से नीचे ले आकर उतार देती है और आप ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, यह जो सफलता का जो जीवन है ना, या यूं कहें कि यह जो जीवन है, यह जो लाइफ है, यह ठीक उसी लिफ्ट की तरह से। आप एक लिफ्ट में खड़े हो जाते हैं, जब आपको ऊपर जाना होता है ऊपर की बटन दबाते हैं, वह लिफ्ट आपको ऊपर ले जाकर छोड़ देती है। और यदि आपको नीचे आना होता है, ग्राउंड फ्लोर की बटन दबाते हैं और आप ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं, लाइफ भी ठीक उसी तरह से कार्य आपके लिए करती है। यदि आपकी सोच ऊपर की होती है, यदि आप सफलता के विषय में सोचते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं, आप एक बड़ा अभिकर्ता बनना चाहते हैं, तो यह जो लाइफ है वह आपको वह पोजीशन दे देती है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बड़ा कार्य नहीं कर सकते, आप बड़ा बीमा नहीं कर सकते, तो लाइफ भी आपको ऐसा बना देती है। दोस्तों, एक व्यक्ति की लाइफ वैसी ही होती है जैसा वह बनाना चाहता है। यदि आज मेरी लाइफ जो है, जहां है, जैसे है, उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वह सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। ठीक उसी तरह से आज आपकी लाइफ जैसे है, जो है, जहां है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह केवल और केवल एकमात्र आप हैं। आने वाले भविष्य में हमारी लाइफ कैसी होगी इसके लिए भी जिम्मेदार अगर कोई होगा तो मेरे प्यारे दोस्त हम ही होंगे। तो फिर मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी होगी। दोस्तों, एक इंसान की जो आदत है ना, वो एक बड़ी अजीब सी आदत होती है कि वह अपनी असफलताओं के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपनी विफलताओं के लिए वह खुद जिम्मेदारी नहीं लेता। वह हमेशा अपनी गलतियों के लिए, अपनी असफलताओं के लिए, अपनी विफलताओं के लिए वह दूसरे को दोष देता है। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं ना, आप समाज में लोगों से पूछ कर देख लेना। आप यदि किसी से पूछते हो कि यह घर किसका है, वह बोलेगा कि यह घर मेरा है। आप पूछो यह गाड़ी किसकी, वह व्यक्ति बोलेगा मेरी। घर में रखी हुई टीवी किसकी, मेरी। फ्रिज किसका, मेरा। बच्चा किसका, मेरा। परिवार किसका, मेरा। लेकिन वही आदमी
अपनी गाड़ी को लेकर खुद ड्राइव करता हुआ किसी रोड से गुजरता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी का सत्यानाश हो गया एक्सीडेंट के कारण, यदि जो गाड़ी है अगर वह डिस्टर्ब हो गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई, उसके पैर में चोट आ गई और आप उससे पूछो, वह यही बात बोलता है, हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने अभी तो एक महीना पहले गाड़ी ली थी, मैंने ऐसा तेरा क्या बिगाड़ दिया जो इतना बुरा दिन मुझको दिखाया। जरा सा सोच कर देखिए, घर आपका, गाड़ी आपकी, टीवी फ्रिज कूलर घर में रखे हुए जितने सामान है वो सारे के सारे आपके, गाड़ी ड्राइव आप कर रहे हो, आपकी गलती से एक्सीडेंट होता है और दोष आप किसको देते हो, हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चीजों को देखने के नजरिए को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने बर्ताव में बदलाव करना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। ईश्वर ने मुझे इतना बढ़िया घर दिया है, ईश्वर की मुझ पर बहुत असीम कृपा है, हे प्रभु अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से मुझ पर बनाए रखना। ईश्वर ने मुझे इतनी अच्छी औलाद दी है, घर के सारे सुख सुविधाओं के सामान ईश्वर ने मुझे उपलब्ध कराए हैं, हे प्रभु इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और यदि कभी एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट हो जाने के बाद गाड़ी का नुकसान हो गया, पैर में चोट आ गई, तब कैसी सोच होनी चाहिए, हे प्रभु यह जो एक्सीडेंट हुआ ना, हो सकता था इसमें मेरी जान चली जाती, अच्छा हुआ नुकसान गाड़ी का हुआ है, मेरे पैर पर ही चोट लगी है, अगर मैं अपने परिवार अपने बच्चों के साथ नहीं होता तो फिर उनका क्या होता। दोस्त जब आप एक पॉजिटिव चीज अगर आप सोचते हो तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलते हैं। तो दोस्तों यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारियां लेना सीखना होगा, आपको जानना होगा कि आपके अंदर कमियां क्या क्या हैं, क्योंकि यदि हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी कमियों को जानते हैं तभी तो हम अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि आपको कोई उपलब्धि मिलती है, यदि आपको कोई छोटी सी भी सफलता मिलती है तो इस सफलता को, इस उपलब्धि को दूसरों में बांट देना चाहिए, क्योंकि एक इंसान कभी भी अकेले सफल हो ही नहीं सकता। सपोज दैट एक बार विचार करके देखिए, आप अच्छा कार्य करते हैं, रात के 10 बजे रात के 11 बजे आपके विकास अधिकारी का आपके ऊपर आपकी मोबाइल पर फोन आता है, आपसे कहते हैं कितना कार्य किए, टारगेट से आप कितने पीछे हो, आपका ब्रांच मैनेजर आपको फोन करता है, आपका एवीएम आपको फोन करता है, आपसे आपके टारगेट के विषय में पूछता है, आप कितने पीछे हैं आपको बताता है, आपको प्रोत्साहित करता है, आप अपने ब्रांच में चले जाते हो बीमा की पॉलिसी लेकर प्रपोजल को भरते हो, वह जो टाइप करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, जो आपके फॉर्म को टाइप करता है, वह व्यक्ति भी आपकी हेल्प करता है, वह भी आपका सहयोग करता है, आपके सामने पीएस का कार्य होता है, आप जाते हो ब्रांच में, ब्रांच के जो तमाम कर्मचारी हैं वह आपके लिए लगे होते हैं, क्या वह आपकी सफलता के लिए भागीदार नहीं है। दोस्तों आपका ग्राहक आपसे पॉलिसी लेता है, आपको वह रेफरेंस देता है कि मेरा एक भाई है आप उसकी भी पॉलिसी कर दो, क्या वह आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप अपने बच्चों को, आप अपने बीवी को आप कहते हो कि रविवार को हम लोग घूमने चलेंगे, लेकिन रविवार को ही किसी क्लाइंट का आपके नंबर पर फोन आ जाता है और कहते हैं कि सर आप आ जाओ, आज मुझको पॉलिसी करानी है। आप अपने बच्चों को, अपने बीवी को आप समझाते हो कि आज तो हम नहीं जा सकते, और आपका बना बनाया प्लान फेल हो जाता है। कितनी उम्मीदें वो बच्चे लगाए रहते हैं आपसे कि आज मैं पापा के साथ घूमने जाऊंगा, आपकी पत्नी एक उम्मीद लगाई रहती है कि आज मैं अपने पति के साथ आज पूरा दिन बिताऊंगी, लेकिन उसके बावजूद आप उन सभी को छोड़कर अपने क्लाइंट के लिए चले जाते हो, क्या आपकी सफलता के लिए आप अकेले जिम्मेदार हो। दोस्त यदि आप सफल होते हो, एक छोटी सी भी सफलता मिलती है तो उस सफलता के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार होता है। और एक चीज मैं कहता हूं कि यदि आपको छोटी सी भी सफलता होती है ना, इस सफलता को लोगों में बांट कर तो देखो, यह सफलता आपको कितने गुना बढ़ा देगी इसको आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम का एजेंट, वह जैसे चाहे अपनी लाइफ को बना सकता है। इस पूरी एलआईसी की दुनिया में आपको दो तरह के अभिकर्ता मिलेंगे। कुछ लोग अपनी जिंदगी को बाई चांस जीते हैं,
और कुछ लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं बाय चॉइस जीते हैं। आप खुद से एक प्रश्न पूछो, आप अपनी जिंदगी को, आप अपनी एजेंसी करियर को, आप अपने लाइफ को किस तरह से जीते हो, बाय चांस जीते हो कि बाय चॉइस जीते हो। आप सुबह घर से निकलते हैं बीमा करने के लिए, पॉलिसी करने के लिए, आप अपनी बाइक से, अपने फोर व्हीलर से आप निकल जाते हैं। रास्ते में संयोग से गुप्ता जी से आपकी मुलाकात हो गई। गुप्ता जी ने कहा, सर मुझको एक पॉलिसी करानी है, एक पॉलिसी कर दो। आप बड़े खुश होते हैं, प्रपोजल फॉर्म भरते हैं और ले जाते हैं, उस पॉलिसी को पास करा देते हैं और पास कराने के बाद उस कस्टमर को ले आकर, उस गुप्ता जी को ले आकर रसीद दे देते हैं। आप बहुत खुश हो जाते हैं। आपने अभी तक अपने करियर में जो बीमे किए हैं क्या इसी हिसाब से किए हैं? रास्ते में किसी वर्मा जी से मुलाकात हो गई, किसी शुक्ला जी से मुलाकात हो गई, किसी गुप्ता जी से मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा मुझको एक पॉलिसी करानी है और आपने उनकी पॉलिसी करके आपने उनकी पॉलिसी को कंप्लीट करा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस तरह से आप बाई चांस की पॉलिसी अगर आप करते हो तो आप अपने बेनिफिट्स को, अपनी कमाई को भी आप देख लो। वह जो आपकी कमाई है ना, वह कमाई ही बाई चांस। लेकिन अपने इसी कारपोरेशन में बहुत सारे ऐसे अभिकर्ता हैं जो अपनी लाइफ को बाय चांस नहीं जीते, अपने कार्य को बाय चांस नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ को, अपने कार्य को बाय चॉइस करते हैं। महीने के शुरुआत में पहले ही दिन वो टारगेट करते हैं कि मुझको इस महीने की आखिरी के 30 या 31 तारीख को जब क्लोजिंग होगी तो हमारा जो बेनिफिट है, हमारी जो इनकम है वो हमको कितनी मिलनी चाहिए। जब वह इस चॉइस को डिसाइड कर लेते हैं, इसका निर्णय ले लेते हैं कि मुझे कितना कमाना है इस महीने में, उसके बाद वह अभिकर्ता, वह एजेंट यह करता है कि इतनी कमाई करने के लिए मुझे कितने बीमे करने होंगे। इसके बाद वह कैलकुलेशन करता है कि इतना बीमा करने के लिए मुझे कितने लोगों से मिलना होगा। अब 30 दिन में हमें इतने लोगों से मिलना है तो एक दिन में हमें कितने लोगों से मिलना होगा। और जब यह एक बार डिसाइड हो जाता है तो फिर वह अभिकर्ता अपने चॉइस के आधार पर वह लोगों से मिलना, LIC की योजनाओं की बात करना शुरू कर देता है। क्या आप ऐसा करते हैं? यही नहीं, हर 7 दिन के बाद वह जो अपना कार्य है उसको वह रिव्यू करता है। अभी हम टारगेट से कितना पीछे चल रहे हैं? यदि हमको अपना टारगेट पूरा करना है तो क्या जो हम कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को करने के आधार पर हम अपने टारगेट को अचीव कर जाएंगे? और यदि नहीं कर पाएंगे तो हमको और क्या करना होगा? बाय चॉइस। जी हां, बाय चॉइस। मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप अपनी लाइफ को बाय चॉइस जीना चाहते हैं, यदि आप भी अपने एजेंसी करियर को टॉप पर ले जाना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हर इंसान चाहता है कि वह बड़ा इंसान बने, वह बड़ी सफलताओं को प्राप्त करे। यदि आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, इंसान सफलताओं को नहीं पाता है, इंसान अपनी आदतों को बनाता है। और इंसान की जो आदतें होती हैं उसी आदतों के आधार पर वह इंसान सफल या असफल होता है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तो एक बात कहता हूं, वह बिल्कुल मत करो जो सफल लोग आज कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वह बिल्कुल मत कीजिए जो सफल लोग आज की डेट में कर रहे हैं। यदि करना है ना तो आप वह कीजिए जो सफल लोग सफलता पाने से पहले सफलता के लिए करते थे। आप सफल होना चाहते हैं, क्या जो आपकी आदत है वह आदत आपको सफलता के पथ पर आगे ले जा रही है? यदि आपको वह आदत अपनी, आपकी सफलता के पथ पर आगे ले जा रही है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पथ पर आप आगे बढ़ते रहो। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है जो आपकी आदत है, इस आदत की वजह से आप अपनी सफलताओं से पीछे होते जा रहे हो, तो फिर आप अपनी आदतों को चेंज कीजिए और कम से कम उसके लिए सोचिए तो जरूर। दोस्त, मेरे कहने का अर्थ यह है कि सफलता के लिए आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि आपका घर कैसा हो। यदि आज की डेट में नहीं है तो कितने समय के बाद आपका घर हो, और वह भी आपकी चॉइस के आधार पर हो। आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपका बच्चा कैसे स्कूल में पढ़ना चाहिए। और एक बार सत्य बोलता हूं, एक बार यदि आपने अपनी चॉइस को डिसाइड कर लिया तो आपको उस चॉइस को पाने के लिए, अपनी उस सफलता को पाने के लिए आपको चांस वह ऊपर वाला देना शुरू कर देता है। आपको मौके मिलने लगते हैं और अब आपका काम होता है उन मौकों को कैश करना। दोस्तों, एक बात मैं कहता हूं,
कि वह ईश्वर जो है आपको मौके देता है और जब जब आपको मौके मिलते हैं उन मौकों से कभी मत चूकिए, हर मौके पर चौका लगाते रहिए। और जो व्यक्ति हर मौके को चौका के साथ जीतता रहता है वह निश्चित रूप से एक दिन सफल व्यक्ति हो ही जाता है। ईश्वर हर व्यक्ति को मौके प्रदान करता है और उस मौके पर चौका लगाने का जो कार्य है ना वह हमारा होता है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी आ रही है, आखिरी में मैं इस कहानी के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। एक इंसान होता है, एक आदमी होता है, वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। वह जाता है भगवान के पास और कहता है, हे प्रभु मैं तेरा बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं तेरी सुबह शाम रात पूजा करता हूं, मैं तुझे मानता हूं, मेरी एक ही इच्छा है तो उस इच्छा को पूरी कर दे, मेरी 25 लाख रुपए की एक लॉटरी लगवा दे। भगवान ऊपर सुनते रहते हैं, कहते हैं कि ठीक है बेटा मैं तेरी लॉटरी लगवा दूंगा। दूसरे दिन वह फिर भगवान के मंदिर में पहुंचता है, माथा टेकता है, कहता है, हे भगवान मैं तेरा बहुत बड़ा भक्त हूं, तेरी पूजा सुबह शाम करता हूं, मेरी आस्था पूरी की पूरी तुझमें बसी हुई है, हे भगवान मेरी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगवा दे। तीसरे दिन फिर जाता है, कहता है कि हे प्रभु सारी की सारी दुनिया मुझको पागल बोलती है लेकिन मेरी आस्था तेरे से थोड़ी सी भी कम नहीं होती, हे भगवान मेरी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगवा दे। भगवान ऊपर से देखते रहते हैं, भगवान कहते हैं कि ठीक है बेटा मैं तेरी लॉटरी लगवा दूंगा। 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है, 10 दिन बीतता है, 15 दिन बीतता है, 21वां दिन आ जाता है। ठीक उसी तरह से वह भगवान के मंदिर में पहुंचता है, कहता है, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे, 25 लाख रुपए की लॉटरी लगवा दे, दुनिया मुझको पागल बोलती है लेकिन मैं दुनिया की बात नहीं सुनता, मुझे पूरा भरोसा तेरे ऊपर है, तू एक न एक दिन मेरी लॉटरी लगवा देगा। भगवान देखते देखते परेशान हो जाते हैं और भगवान उस इंसान के सामने खड़े हो जाते हैं और एक चाटा उस इंसान के गाल पर जड़ देते हैं। कहते हैं, लॉटरी तो मैं लगवा दूं लेकिन लॉटरी लगवाने के लिए पहले जाकर लॉटरी खरीद तो सही। दोस्त, वह ईश्वर हर चीज दे सकता है लेकिन उस चीज को पाने के लिए हमको कर्म तो करना होगा ना। अब यदि हम कस्टमर के पास जाते ही नहीं है, कस्टमर से उसके लाभ की योजनाओं की बात करते ही नहीं है और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान हमारी एजेंसी करियर में मुझको तमाम सफलताएं मिल जाए, हमारी जो बेनिफिट है, हमारी जो इनकम है वो बढ़कर 4 गुनी हो जाए, तो क्या यह पॉसिबल है? दोस्तों, लाइफ को अगर आपको जीतना है, लाइफ को अगर सफल बनाना है तो आपको अपनी चॉइस को चुनना होगा, चांस को नहीं। और यदि आप अपनी लाइफ को चॉइस के जरिए अगर जीते हो तो वह मालिक वह ईश्वर आपको चांस देना शुरू कर देता है, आपको मौके मिलने शुरू हो जाते हैं। अब आपका काम होता है कि हर मौके पर चौके लगाते रहो। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो वीडियो है यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, क्या अनुभव हुआ? यदि आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको और भी मिलती रहे तो आपके जो भी अनुभव हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में दें। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पर क्लिक करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह की वीडियो भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब की बटन के जस्ट बगल में एक बेल का आइकन बना हुआ है, आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। उसको क्लिक करने का फायदा यह होगा कि जैसे ही हमारे इस चैनल पर कोई वीडियो पोस्ट होगी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।